आपको रातों रात शोहरत मिली एक ही वीडियो से, तो ये कहना इसका मतलब गलत नहीं होगा? नहीं, गलत नहीं है। सर ये बताएं कि आपको लोगों ने पहचानना कब शुरू किया? मैं ऐसे बाहर गई तो उन लोगों ने ना, काफी लोगों ने रोक लिया, सेल्फी लेनी है, वीडियो बनानी है। मैं काफी मतलब मुल्कों में जा चुकी हुई हूँ। जब आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? मुझे जब अप्रिशिएट किया गया, मेरे लिए वहाँ पर ये आई थी एक बात कि आप फैसलाबाद की क्वीन हो। किससे सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं जो आपको बहुत अच्छा लगे? मैं सबसे ज़्यादा डिसेबल्डों को मतलब होती हूँ देख के, मेरी देखा देखी पे ना उनमें कॉन्फिडेंस आया। हम लोगों को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। ख्वाजा सरा कहा जाता है। मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं ख्वाजा सरा नहीं हूँ। टिकटॉक पे जहाँ एक इतना ट्रस्टेबल वो प्लेटफॉर्म था, वहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना फहाशी का कॉन्टेंट भी आ रहा है, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? आशा अक्रम ने जो किया ना उसके साथ हुआ बहुत गलत है। कई उसकी ऐसी वीडियोज़ हैं, आखिर मैं भी इस फील्ड में हूँ कि मुझे उसकी वाजिया वीडियो यानी के मिली है जो पर्सनल लाइफ में उसकी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जीनत सरफराज और आप देख रहे हैं ब्राइट स्टार टीवी। आज मैं आपको एक ऐसी आर्टिस्ट से मिलवाने लाई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। टिकटॉक बनाती हैं और अपने काम और टैलेंट की वजह से टिकटॉक पर 1.2 मिलियन लोग उन्हें फॉलो करते हैं, है ना, हूज नंबर। एक बहुत बड़ी लोगों की तादाद है जो उन्हें फॉलो करती है। ये कौन हैं, कैसी हैं, इनके बारे में आपको बताएंगे बहुत ही खूबसूरत दिल के मालिक और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड, अपनी वीडियो से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाली। कौन है ये आर्टिस्ट, जानते हैं, चलिए मेरे साथ। हमारे साथ नन अदर देन हुंजा बतूल मौजूद हैं, टिकटॉक की गुड़िया। अस्सलाम वालेकुम हुंजा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू। अच्छा हुंजा, तो बहुत सारे लोग आपको टिकटॉक पे देखते तो हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि हुंजा ने इस सफ़र को शुरू कैसे किया। टिकटॉक पर सबसे पहले वीडियो बनाने का ख्याल कैसे आया? टिकटॉक पे सबसे पहले बनाने का ख्याल ऐसे आया कि मैं मतलब ऐसे लेटी हुई थी, भाई ने बोला वो वीडियो बनाए, तो मैंने कहा चलाओ बनाओ। एक लाइन उसने गाने की गाई, एक मैंने गाई, तो बस वो गाया हम लोगों ने दोनों गाना, तो यानी कि वो रातों रात लाइक 1 मिलियन में हो चुके हुए थे। वाओ माशाल्लाह, तो मतलब पहली आवाज़ जो लोगों ने सुनी वो आपकी अपनी ओरिजिनल थी, कोई डबिंग नहीं थी? नहीं, कोई डबिंग नहीं थी। वो ऐसे बैठे, जब गम में हो ना इंसान तो कहते हैं कि आमद हो ही जाती है। हाँ। या शेर व शायरी की, पोइट्री की, गज़ल की, और मुझे अक्सरात होती है। तो उस टाइम ऐसे हुआ था। अच्छा, तो हुंजा मतलब आपने वीडियो बनाई, आपने डाल दी, तो कब पता चला कि मतलब इतने लोग आपको फॉलो करने लगे? फौरन चेक कर रही थी या कितना टाइम के बाद चेक किया? उस टाइम 50,000 हो चुके हुए थे फॉलोअर्स, तो पर डिमांड आनी शुरू होगी कि आप हमें और मतलब वीडियो अपलोड करें भाई के साथ और करें। मैं लेकिन मैं नहीं चाह रही थी कि मैं मतलब सोशल मीडिया पे आऊँ। अगर ये कहें कि आपको रातों रात शोहरत मिली एक ही वीडियो से, तो ये कहना इसका मतलब गलत नहीं होगा? नहीं, गलत नहीं है। अच्छा उनसे ये बताएं कि आपको लोगों ने पहचानना कब शुरू किया? एक होता है कि आप फेस देखते हो, फिर लोग आपको पहचानने लगते हैं, आपसे आके मिलते हैं, तो वो वाला मोमेंट कब आया जब लोगों ने आपको पहचानना शुरू किया? वो ये था कि फर्स्ट टाइम मैं बाहर आती जाती थी पहले इजी होके। अच्छा। अब तो नहीं बिलफक्त जाया जाता क्योंकि मम्मा पापा जाने नहीं देते, हेटर्स बहुत हो चुके हैं। हाँ। तो निकलने नहीं देते। अब मैं ऐसे बाहर गई तो उन लोगों ने ना, काफ़ी लोगों ने रोक लिया, सेल्फी लेनी है, वीडियो बनानी है, ऐसे करना ही है। मैंने कहा मुझे सड़क पर नहीं अच्छा लगता, तो आपको जिस किसी को मिलना, मैं पास ही रहती हूँ, आप लोग आके ना घर पर बना लें। तो वो ये था, फिर मैंने उनको मतलब टाल दिया। उस टाइम मैं अपने भांजे की बर्थडे पे जा रही थी, तो उस टाइम ये सीन हुआ था। तो फिर तब पता चला कि लोग देखना शुरू हो गए हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं, और फिर पता चला कि ये वीडियो जब फॉर यू पे जाती है तो कितने मुल्कों में जाती है, वो नीचे लाइन आ जाती है। तो वो टिकटॉक से मैंने देखा कि वो आउट ऑफ कंट्रियों तक जा चुकी हुई थी, तो मैं काफ़ी मतलब मुल्कों में जा चुकी हुई हूँ। हुंजा आप तो बन गई सबकी आइडियल, लेकिन आप टिकटॉक पे किसके कंटेंट को देखती हैं, किससे सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं जो आपको बहुत अच्छा लगे? मैं सबसे ज़्यादा डिसेबल्डों को मतलब होती हूँ देख के, मेरी देखा देखी पे ना उनमें कॉन्फिडेंस आया और वो अपने आप को यानी कि लाए हैं,
और शो कर रहे हैं और काफ़ी लोग ऐसे हैं छोटी हाइट के, मैं भी बोनी हूँ, मैं ये नहीं कहती मैं नहीं बोनी हूँ, बोने भी हैं और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनमें हम लोगों को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही। और मुझे तो ये बोनी का खिताब मिल गया हुआ है ना, ये कुछ टाइम से 6 मंथ हो गए हैं, बोनी बोनी रट लगाई हुई कमेंट में और ख्वाजा सरा कहा जाता है। मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं ख्वाजा सरा नहीं हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और बोनी मैं ज़रूर हूँ, मैं शुक्र करती हूँ इस पर भी, लेकिन मैं ये चीज़ें जितना आप लोग मुझे टाउन करते हैं ना, मैं उतना ही बढ़ती जा रही हूँ और मजीद करो। दुनिया कुछ भी कहती रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो लोग बहुत सारे अप्रिशिएट भी करते हैं, प्यार करने वाले भी हैं आपके, ठीक है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं वहाँ पे क्रिटिसाइज भी करते हैं, तो ये दोनों जो मिले जुले आपके तासुरात हैं इसके बारे में बताएं कि जब आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं तो कैसा महसूस करती हैं? अप्रिशिएट ऐसे है कि मैं काफ़ी बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा, तो इतनी बीमार हो गई थी कि मैं अपने आप में निडाल हो गई थी, और फिर लोगों से अपील की कि मतलब मेरे लिए दुआ करें, मेरी वीडियो भी है, मुझे वो लगी हुई लेमनाइस लगी हुई है, तो उस टाइम लोगों ने काफ़ी दुआ की, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं टिकटॉक पे आई हूँ मेरे लिए बहुत सारी दुआएं होती हैं और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। उनमें से कुछ लोग हैं जो टाउन करते हैं, अदरवाइज़ नहीं है। मुझे जब अप्रिशिएट किया गया मेरे लिए वहाँ पर ये आई थी एक बात कि आप फैसलाबाद की क्वीन हो, पहले किसी को पता नहीं था, जब मैंने बोला मैं फैसलाबाद से हूँ तो ये बोला गया फैसलाबाद की क्वीन हो, हमारे लिए आन शान बान हो, तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा। और जब मैं भीगो लाइफ पे काम कर रही थी उस टाइम काफ़ी लड़कियों ने मुझे कैमरा ऑन करके सलूट किया, तब बहुत अच्छा लगा कि मतलब इतना मुझे अप्रिशिएट और इतना प्यार मिल रहा है। हुंजा सिर्फ फैसलाबाद की नहीं, पूरे मुल्क की और जहाँ जहाँ तक इनको लोग जानते हैं देखते हैं उन सब के दिलों की क्वीन है, तो आप सिर्फ फैसलाबाद की नहीं, आप पूरे मुल्क की क्वीन है। अच्छा लगता है जब आपके लोग तारीफ़ करते हैं, जब लोग आप पे तनकीद करते हैं तो उस चीज़ को कैसे लेट गो करती हैं, बहुत ज़्यादा सवार कर लेती हैं खुद पर या जाने देती हैं? सवार कर लेती हूँ ये चीज़ जो होती है ना, दिमाग की स्वेलिंग हो जाती है, आइज़ भी स्वेल हो जाती हैं। मैं वीडियो बनाती किस लिए हूँ? आप लोगों के लिए बनाती हूँ ना, इसलिए बनाती हूँ कि आप लोग मुझे देखो, मुझे बताओ, अपनी राय बताएं कि हाँ मेरे में आप क्या देखना चाहते हो, क्या चेंजिंग देखना चाहते हो। तो ये तो नहीं मैं देखना चाहती, क्या मुझे लोग ख्वाजा सर ही बोलो, किन्नर ही बोलो, यही बोलो। मैं अब इन मेरे मुंह से गंदी बात निकलने लगी थी कि मैं इनको बोलना चाहती हूँ कि मैं ख्वाजा सरा नहीं हूँ। मैं बड़ी उस टाइम डिस्टर्ब हो गई, भाई को बोला गया कि तुम्हारी वाइफ क्या कर रही है, उसको ऐसे करो, खुदारा दिन के अंदर मैं उसकी बहन हूँ, वो मेरा भाई है। जब आप वीडियोस बनाती हैं टिकटॉक के लिए तो वो कॉन्टेंट कौन सेलेक्ट करता है कि इस तरह की वीडियोज बनानी है, इस तरह का एक्ट करना है, वो कैसे वो सारी चीज़ें प्लान करती हैं? ये मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा होता है ना तो उसी के लिहाज से, लेकिन मैं बनाती बड़ी लेट हूँ, जब ट्रेंड खत्म हो जाता है बनाती लेट हूँ, लेकिन मैं कुछ अपना ही कर रही होती हूँ, क्योंकि मैं फेस में कुछ मतलब टेढ़े मेढ़े मुंह बना लो, ये चीज़ें एंड पे शुगल कर लो, अपनी टांगे हिला लो, बाजू हिला लो, ये चीज़ें कर देती हूँ। अच्छा उनसे ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग तो इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन टिकटॉक पे जहाँ एक इतना जो है ना ट्रस्टेबल वो प्लेटफॉर्म था कि जहाँ पे आप अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना फहाशी का कॉन्टेंट भी आ रहा है, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगी ऐसे तमाम जितने भी टिकटॉकर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये आपने सवाल करके बहुत अच्छा किया, मैं खुद भी ये बात करना चाहती थी। आशा अकरम ने जो किया ना उसके साथ हुआ बहुत गलत है, मैं ये नहीं कहती गलत नहीं हुआ, लेकिन जो आगे वो कर रही है वो बहुत गलत है। कई उसकी ऐसी वीडियोस हैं, आखिर मैं भी इस फील्ड में हूँ कि मुझे उसकी वाजिया वीडियो यानी कि मिली है जो पर्सनल लाइफ में उसकी है, बहुत रॉन्ग है ये। दूसरा ये जो प्रेग्नेंट होकर वीडियोस बना रही हैं ना लेडीज़, ये बहुत रॉन्ग है, ये बहुत गलत है। अपना आप दिखाना, अपना आप करना, ये सब कुछ करना, इसमें क्या मिलता है मुझे आप बताएं, सिवाय जाहिलियत का है ये। और जब एक दफ़ा एक लड़की की इज्जत उतर जाती है ना, वो फिर कहती है चलो अब तो ख़त्म हो ही गई है, हम इस चीज़ में अब और मज़ीद घुसते जाते हैं, फिर वही उसका काम ही हो जाता है कि चलो पैसा दो तो कुछ भी करो, ये चीज़ें हो जाती हैं। जब इंसान अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करना शुरू करता है, उसकी हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, फैमिली एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके हर अप एंड डाउन में आपके साथ खड़ी रहती है, आपकी फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया है? मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है,
मैंने आगे भी ये बातें मेरी हो चुकी हुई हैं कि मेरे पापा ने मुझे अपने शोल्डर पे बिठा के लेके आते जाते रहे हैं। गवर्नमेंट का पता चला नवाज शरीफ टाइम का, और अभी भी इमरान खान के मैं लगी हुई हूँ कि मेरी अपील सुनी जाए या कुछ भी। बैतुलमाल तक भी गई हूँ लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा। देखिए मैं एक डिजर्व लड़की हूँ, ठीक है, मैं ये सीना ठान के ये बात बोलती हूँ। मैं ये इसमें घबराती नहीं हूँ क्योंकि जो मैं शुरू से हूँ मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं टिकटॉक पे बाद में आई हूँ, मेरे लिए फेम बाद में, पहले मैं इंसान हूँ और ये चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं रखती हैं, क्योंकि ये कब है कब नहीं है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। जितना हो सके ना, मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपने वालदैन के लिए बहुत कुछ कर सकूँ, क्योंकि उन लोगों ने जो मेरे लिए किया ना, शायद ही मैं कहती हूँ किसी डिसेबल के लिए किया हो। अच्छा, ये तो वो हुंजा है जिसको हम अपने सेलफोन की स्क्रीन पे या टीवी की स्क्रीन पे देखते हैं, घर में जो हुंजा है उसको क्या करना अच्छा लगता है, जैसे लड़कियाँ करती हैं, खाने में क्या पसंद है, क्या शौक है? हांडिया बनाने का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा। हाँ, अच्छा। बट मामा बनाने नहीं देती क्योंकि वो कहती है कि क्वीन कुछ ना कुछ जल जाएगा, ये तो वो, तो इस वजह से वो घबराती है। और फिर ज्यादातर ये शौक है कि वेल ड्रेस हो के रहो, लिपस्टिक लगी हो, बाकी बेस ये वगैरह नहीं शौक है। आपको जरूरत भी नहीं है, आप माशाल्लाह इतनी खूबसूरत हैं कि आप कुछ भी नहीं करें ना तो भी आप इतना ही खूबसूरत और इतनी ही खिला हुआ, इतनी फ्रेश स्किन है ना, वाकई मैं देख रही हूँ ना तो मुझे पता चल रहा है कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और वेल ड्रेस होना तो हर लड़की को अच्छा लगता है कि वो वेल ड्रेस होना। हाँ। और शॉपिंग करने का बहुत शौक है जो कि अब साल हो गया बंद कर दी है, जाने नहीं देते बाहर। हाँ। और इतना होता भी नहीं है क्योंकि अब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब जा रहे हैं। अच्छा हुंजा, आप जो हर इंसान की ज़िंदगी में ना विशेज़ होती हैं, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मुझे ये चाहिए, इंसान आपको पता है कि जितना उसको मिलता जाता है ना वो उतना ही ज़्यादा ग्रीडी होता जाता है। अगर आपसे पूछूँ आपकी ज़िंदगी की कोई एक ऐसी ख्वाहिश जो आप कहती हैं कि ये होना चाहिए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए? मेरा घर होना चाहिए, मैं ये हर बार पे बोल चुकी हूँ, पहले भी बोल चुकी हूँ कि मेरा घर अपना होना चाहिए। गवर्नमेंट से अपील है, रिच लोगों से अपील है, मैं रोके आप लोगों को अपना मतलब मोस्टली टैच नहीं करना चाहती। मैं चाहती जो दिल से आप लोग करोगे ना वो मेरे लिए वेल एंड गुड होगा। मेरी यही अपील है कि बस कि मुझे घर अपना दिलाया जाए, और ये रिक्वेस्ट है, किराया नहीं दिया जाता, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, किराया नहीं दिया जाता। मेरे पापा प्रेस मशीनों के पुर्जे बेचते हैं जगह जगह सिटी में जाकर, और मेरी वालदा शुगर हेपेटाइटिस जिगर की मरीज हैं। तो प्लीज़ खुदा के लिए मेरी ये बात को माने, आज आप लोगों से मैं खुद रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पहले मैं रिक्वेस्ट नहीं करती थी कि मुझे घर लेके दें, क्योंकि मेरी इज्जत एक हो, मेरे बहन भाई मेरी इज्जत करने वाले हों, कल को मेरे पे उंगली ना उठाए। आपके काम के ज़रिए लोगों के जज्बात आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो अपने तमाम चाहने वाले जितने भी आपको लोग प्यार करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान के बाहर से हैं, जो आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपका कैमरा है आपके सामने, आप उनसे डायरेक्टली कुछ भी बात करना चाहें, कोई ऐसा मैसेज देना चाहें कि वो सब कहें कि बस आज का दिन जो है ना वो तो बहुत अच्छा हो गया। जितने भी चाहने वाले ना, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि मैं जो मुझे कोई कहता है ना दुआ के लिए कि हमजा मेरे लिए दुआ कर दो, आपकी दुआ लगेगी, तो मैं दिल से दुआ करती हूँ, और बिलीव करें मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला हमारी आल पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, जितना भी उसको गंदा कर दिया गया अब अल्लाह उसको साफ कर दे। रियासत मदीना जो बनाना था अल्लाह ताला उनको बनाने में कामयाब करे। ढेर सारी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सबको बुलंदियों पर लेके जाए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जो है ना आउट ऑफ कंट्रियों में मजदूरों के लिए बहुत कुछ करती है, बहुत कुछ करती है, आप भी जानते हैं, तो इधर भी ये चीज़ ओपन कर दें खुदा के लिए कि हम लोग भी इजी लाइफ गुजार सकें। थैंक यू सो मच हुंजा, आपने टाइम दिया, इतना अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मेरे आज जो जो मेरे दिल में है ना मैं आपसे बात करूँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूँ, जानूँ कि आप एज एन पर्सन आप कैसी हैं। कैमरे पे तो हम आपको देखते हैं, जितनी आप ज़्यादा खुश नज़र आती हैं उतने ही ज़्यादा मसाइल भी होते हैं ज़िंदगी में, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो मैं अपने तमाम देखने वालों को भी यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग समझते हैं कि जो लोग टीवी पे आते हैं या वीडियोस बनाते हैं उनकी लाइफ में शायद कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन हैं, और खुदारा किसी के जज्बात के साथ मत खेलिएगा। इस इंटरव्यू का हरगिज़ मतलब आपकी सिंपथी लेना नहीं था, मैं खुशियों भरी बातें हुंजा से करने आई थी और मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा। अपनी कमी को कमी ना जानना और कामयाबी के साथ आगे बढ़ते जाना, अगर इसकी मिसाल किसी को देखनी है तो वो हुंजा को देखें।
आप सबके साथ का और आप सबकी मोहब्बत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनजा को। एक और नई एपिसोड के साथ, एक नए पर्सन के साथ और कुछ नई बातों के साथ दोबारा से आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अदानी के बाद।